ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो अपने लिए खेलते हैं. देर आर वेरी फ्यू हु प्ले फॉर द कंट्री, हु प्ले फॉर द ट्राई कलर्स. जी हाँ, आज मैं एक ऐसे खिलाड़ी से बात करने वाला हूँ जो कि अपने रिकॉर्ड्स के लिए कभी नहीं खेलते हैं, खेलते हैं सिर्फ देश के लिए. आई एम टॉकिंग अबाउट लिएंडर पेस. लिएंडर पेस है हमारे साथ. लिएंडर, वेलकम. नमस्कार. लिएंडर, बहुत दिनों से आप खेल नहीं रहे हैं, कोर्ट के बाहर हैं, और ये आपका आखिरी ईयर था इंटरनेशनल टेनिस में, तो बहुत दिनों से आप बाहर है कोर्ट के. तो मुझे लगता है कि शुरू में आपके साथ एक मजेदार खेल खेलना चाहिए आपको. मैंने प्लान किया आपको, मैं 5 सवाल आपको पूछूंगा आपके करियर के ऊपर, और कोई जल्दबाजी नहीं है. यू आर नॉट प्लेइंग एट द नेट्स, कोई क्विक रिफ्लेक्सेस आपको दिखाना नहीं है. यू आर प्लेइंग ऑन द बेस लाइन. आप आराम से जवाब दे सकते हैं. आपके करियर के ऊपर है जिससे हम शुरू करेंगे. लिएंडर, क्वेश्चन नंबर 1. 1994 की हिरोशिमा एशियन गेम्स में यू वन द डबल्स गोल्ड मेडल विद गौरव नाटेकर. फाइनल में हुम डिड यू डिफीट टू विन द गोल्ड मेडल? तो हिरोशिमा एशियन गेम्स काश 94 पे थे, और डबल्स फाइनल्स में एक कोरियन जोड़ी थे, एक नाम तो याद है चैंग, मगर दूसरा नाम चैंग तो सही है ना. आई विल गिव इट टू यू, एक नाम काफी है. एक तो चैंग था, दूसरा जोंग था, साउथ कोरियन पेयर. या यू डिफीटेड देम इन 1994 टू विन द हिरोशिमा एशियन गेम्स गोल्ड मेडल. चलिए दूसरा सवाल यह है कि दूसरा सवाल यह है लिएंडर कि बिंगहैम्पटन यूएसए और वाकोआस फिनिक्स, ये दो शहर है, दूसरा शहर है मॉरिशस में. हाउ दीज सिटीज आर कनेक्टेड टू योर करियर? बिंगहैम्पटन वॉज माई थर्ड एटीपी चैलेंजर विन, और वाकोआस हमारा 5वां एटीपी चैलेंजर विन थे. थर्ड और 5वां एटीपी चैलेंजर विन. बैंग ऑन लिएंडर. थर्ड वाज बिंगहैम्पटन इन यूएसए एंड फिफ्थ वाज वाकोआस फिनिक्स इन मॉरिशस. दैट वाज एटीपी चैलेंजर टाइटल्स एंड वे बैक, आई थिंक 27 एंड 26 इयर्स बैक. डिफिकल्ट है याद रखना. बैरी कवन. चलिए तीसरा सवाल. बैरी कवन अ ब्रिटिश टेनिस प्लेयर, हाउ is he associated with your career milestones rather? Barry Cowan, I beat him in the Jaipur ATP Challenger final. Gosh, how can you remember so many things? You're right, in 1999. Athlete ka dimag. You defeated him to win, perhaps your last ATP Challenger tournament where victory was that. Correct. Wo to 99 pe the, shayad. Jaipur. Yeah, 21 years back. Khiladi ka, you are pretty sharp in remembering things. Dimag kafi tez hote hain apne stats pe. And wo bhi, the ones that you lose, you remember more than the ones that you win. But here you won. Yes. Number 4, Lyander. I'll tell you 4 cities. And there's just 1 city missing. You have to tell the name of the city to make it a series. I mean, okay. Chennai, the second one is missing. You'll have to tell the name of the city. Second one. The third one is Montreal. Fourth one is New Haven. And fifth is Beijing. I repeat, Chennai, Dash, Montreal, New Haven, and Beijing. Chennai, Montreal, New Haven, Beijing. So you're obviously talking of my doubles. Hamara doubles career ke bare mein aap bol rahe ho. Aur dusre do shahar Prague aur Singapore hai. Prague. Yes. Prague is the second one, Singapore is the sixth one. You're right. Aur ye 6 shahar pe hum doubles mein ATP tournament jeete. Chennai, Montreal. Yeah, that's right. Chennai, Prague. That's right. It all started with Chennai, Singapore.
that's right. It all started in Chennai. जहाँ मुझे याद है शायद यू डिफीटेड द उज़्बेक पेयर, उज़्बेक एंड इज़राइली पेयर, ओलेग गोगोरोदोव खेल रहे थे एक साइड, दूसरे आई वाज टीमिंग अप विद समबडी फ्रॉम इज़राइल, एंड दूसरा जो टाइटल था वो प्राग, देन मॉन्ट्रियल, न्यू हेवन, बीजिंग एंड सिंगापुर. यू आर बैंग ऑन. फिफ्थ वन लियांडर इज योर फ्रेंच ओपन टाइटल 1999 जो महेश भूपति के साथ आया था, एंड यू ऑल हैड डिफीटेड Goran Ivanisevic and Jeff Tarango. What was the score line? Can you remember? Sir, मैंने सोचा कि आप खिलाड़ी का नाम पूछ रहे थे, तो सवाल तो जवाब था ही हमारे ज़ुबान पे. पहला French Open सबको याद है final, लेकिन score line याद है 6-2, 7-5. 100% 6-2, 7-5 indeed was the score line. French Open Final 1999, Leander and Mahesh Bhupathi had defeated Jeff Tarango and Goran Ivanisevic. Leander, इसमें तो आपने सॉफ्ट स्कोर कर दिया. इंटरव्यू से लेके आपने एकदम क्विज मास्टर बन गए. नहीं लगा मुझे कि आपको कितना याद है, क्योंकि आप देखिए इतना कुछ याद अभी करना पड़ रहा है. यू कैन गो बैक टू योर गोल्डन डेज. आई मीन आपको आपके पास मौका, इतना तो मौका आपके पास कभी नहीं था. यू हैड टू ट्रैवल अ लॉट, आप इधर उधर आपको भागना था. अब ये करना नहीं है आपको, फिलहाल नहीं करना पड़ रहा है राधर बिकॉज ऑफ कोरोना. तो आपके पास टाइम है, मैंने भी देखा कि कितना याद है आपको, क्योंकि दीज आर योर गोल्डन डेज, और सब आपके फैंस, आपके जो फैंस है वो भी बार बार याद करते हैं. लेकिन चलिए, मैं फिलहाल तो नोएडा में बैठा हूँ और आप बॉम्बे में हैं, मुंबई में हैं. तो यहाँ अगर आप जब बाहर जाते हैं तो लोग अक्सर आपसे जब मुलाकात करते हैं तो पूछते हैं कि तो भाई नया ताजा क्या है. आप बताइए कि आपके आपके जिंदगी में नया ताजा क्या है, क्या नया क्या कर रहे हैं आप? इस पांच महीना में मैं काफी डिजिटल वर्क कर रहा हूँ. एक बड़ा सा सरप्राइज होने वाला है, और इस सरप्राइज में अपना सोशल मीडिया हैंडल्स पे पोस्ट किए हैं. तो हमारा इंडिया पे इंडिपेंडेंस डे पे मैंने सोचा है कि अपने फैंस को, अपने दोस्तों को, अपने फेलो कंपेटिटर्स को एक अच्छा सरप्राइज दें. तो 7:30 बजे इंडिपेंडेंस डे पे, फॉर इंडिपेंडेंस डे, आई एम गोइंग टू कम आउट विद ए वेरी स्पेशल सरप्राइज. एंड फ्रॉम 7:30 to 8:00 विल बी लाइव ऑन इंस्टाग्राम, 8:00 to 8:30 विल बी लाइव ऑन ट्विटर, एंड फ्रॉम 8:30 to 9:00 आई विल गो लाइव ऑन फेसबुक. एंड इन दैट आई एम गोइंग टू लॉन्च समथिंग यूनिक, समथिंग एकदम मजेदार, अपने फैंस के साथ थोड़ा शेयर करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं. और आज के जमाने में जब सब लोग अपने घर पे बैठे हैं लॉकडाउन के अंदर, हम सोचें कि थोड़ा सा हैप्पीनेस लाएं सब फैंस को. तो मैं फॉर 2 hours आई एम गोइंग टू इंटरेक्ट विद देम, एंड आल्सो आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग वेरी स्पेशल. तो थोड़ा सा काम किया हमारी टीम. टुमारो वी विल फाइंड आउट इफ इट्स समथिंग दैट एवरीवन एंजॉयज. लियांडर, एज अ टेनिस प्लेयर जब आप ज्यादा टूर करते थे, यू हार्डली गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद योर फैंस पूरे साल भर. क्या आप फिलहाल आपको टाइम मिल रहा है, क्या आप रेगुलर बेसिस पर बात करना चाहते हैं आपके फैंस के साथ, इंटरेक्ट करना चाहते हैं वेबसाइट के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से? हमारा करियर में मैं काफी ब्लेस्ड हूँ कि पूरा दुनिया घूम चुके हैं करीब 30 बार, और हमारा फैंस का जो सर्किल है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से लेके ब्राजील तक पहुँचे. एंड स्पेशली इन इंडिया द इंडियन फैंस आर सो स्पेशल. इंडियन फैंस जो है मेरे को ताकत दी है जब मैं कमजोर थे, मेरे को ताकत दी है. और इस वजह से आई थॉट दैट वी कैन शेयर विद द फैंस एंड इंटरेक्ट मोर, स्पेशली नाउ दैट माई वन लास्ट ट्रोल सीजन हैज कम टू अ हॉल्ट. Where I started off in Australia with my farewell tour at the Australian Open, और तब उसके बाद पुणे गए थे, तब उसके बाद बेंगलोर गए थे, तब उसके बाद दुबई पे खेले थे, और वहाँ पे बहुत अच्छा सा इंटरेक्शन हुए थे फैंस के साथ एक farewell tour पे. पर स्ट्रेट आफ्टर डेविस कप इन क्रोएशिया, where you know I won the doubles along with Rohan Bopanna for India in the Davis Cup, I came back home on the 7th of March. एंड तब से हम सब घर पे बैठे हैं, तब से लॉकडाउन पे हैं. अभी थोड़ा थोड़ा खुल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लोग वापस काम पे जा रहे हैं,
But at the same time, I still think there's a long way to go. I still think there's quite a few weeks to go before the vaccine comes out. There's going to be quite a few weeks before we can all resume to our daily lifestyle. So even today, we have to practice social distancing. We have to be very conscientious about wearing our masks and also about protecting our loved ones, our parents, our children, our families, our loved ones, and the community. I think it's important to take the responsibility to protect the community. As much as we're going out to work and things, we still have to be very careful in this. So that being said, I feel like at this moment in time, it's important where I've got this 5 months away from my career, which I've been doing for 30 years, to do new things, to embark on new things. I've been working very hard. Tomorrow is the first launch of one of my projects. And then from there, you'll see more things happening. And this Independence Day, how do you define freedom? What do we need to move out of to call ourselves a free nation? Kis soch se aapko lagta hai ki desh aur samaj ko azadi chahiye? Mere ko bahut khushi aata hai ki main desh ke liye khelta hu, log ke liye khelta hu. And to play for one of the largest democracies in the world. हमारा जो पॉपुलेशन जो है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया. तो मेरे को बहुत प्राउड फीलिंग आता है कि ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री पे जो हम रहते हैं इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. बट ऑन सेइंग दैट आई थिंक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये नहीं कि हम कुछ भी करें, जैसे भी करें, अपने सोच पे करें. हाँ, अपने सोच पे करें, मगर वी हैव टू लुक एट द फ्रेमवर्क ऑफ दैट डेमोक्रेसी. वी हैव टू लुक एट द फ्रेमवर्क ऑफ दैट फ्रीडम. आई थिंक जस्ट फ्रीडम विदाउट एनी गाइडलाइंस इज ब्रैश, इट्स वेरी इट्स वाइल्ड, एंड आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग. आई थिंक विथ डेमोक्रेसी, विथ फ्रीडम कम्स अ ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड आई थिंक दैट जस्ट लाइक द लॉज एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर मदर कंट्री इंडिया is written for all the civilians to follow. I also think that we as individuals should frame our own rules and frame along with the constitution that that we follow. We should also have guidelines for ourselves that within that constitution, within the guidelines of the constitution, we should also conduct ourselves where we can live a life of example. We can live a life of how youngsters can follow us, how people in our communities can see through the way that we live our lives, see through our example on how we take responsibility of the freedom that we live in. I think that is very important to be role models, especially today in a global pandemic that we go through where everybody in the world is affected. Khali hamare desh ke andar nahi hai, America ke political situation dekho, ya Europe ka इकोनॉमी देखो, या पूरा दुनिया को इतना अफेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस से, एक ग्लोबल पैंडेमिक से. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी आवरसेल्व्स टू कीप आवर फैमिलीज एंड आवर लव्ड वंस एंड आवर कम्युनिटी सेफ एंड टू कंडक्ट आवरसेल्व्स, यस विद अ डेमोक्रेटिक फ्रीडम, बट टू कंडक्ट आवरसेल्व्स विद अ स्ट्रक्चर एंड गाइडलाइंस दैट वी आर गुड रोल मॉडल्स टू द पीपल अराउंड अस. And one last roar, that was a caption this year, क्योंकि आपका plan था कि ये साल ही international tennis से आपको retirement लेना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये हुआ नहीं है. तो क्या हम देखेंगे आपको पूरे साल भर खेलते हुए अगले साल 2021 में, और उसके आगे ही आप retirement लेंगे? जो इस साल का plan था, क्या अगले साल वो पूरा होगा? इस सवाल का जवाब तो अभी तैयार नहीं है. आई हैवंट थॉट ऑफ इट मच बिकॉज बीइंग इन दिस ग्लोबल पैंडेमिक, फर्स्टली हम सोचे थे कि एक महीना ही चलेगा लॉकडाउन, तब दूसरा महीना आ जाए, तब तीसरा, तब चौथा, अभी पांचवा महीना पे हम लोग लॉकडाउन पे. अभी थोड़ा बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं इमरजेंसीज के लिए, लोग वापस काम पे जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, अपने रेंट के लिए, अपने खाना के लिए, अपने बच्चे लोग का स्कूल ट्यूशन के लिए, एंड इट इज अफेक्टेड एवरीबॉडी. मगर हमारा जो प्रोफेशन जो है,
ट्रैवल काफी है, होटल्स पे रहना पड़ता है, स्टेडियम पे जाना पड़ता है, मैदान पे खेलना पड़ता है, काफी पब्लिक आते हैं हमारे स्टेडियम्स पे, काफी लोग से मिलते हैं एयरपोर्ट पे या होटल पे। तो अब पूरा दुनिया अब तक खुला नहीं, सो इट्स नॉट दैट वी कैन जस्ट पिक अप एंड पैक माई बैग्स एंड स्टार्ट ट्रैवलिंग राइट नाउ। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे स्टार्टेड टेनिस बिकॉज टेनिस एज अ स्पोर्ट देयर इज नेचुरल सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि एक लंबा चौड़ा सा नेट है, लंबा चौड़ा सा कोर्ट है, तो काफी सोशल डिस्टेंसिंग है टेनिस पे। अपना अपोनेंट्स या अपना जिसके साथ हम खेलते हैं वो नेट के उस दूसरा तरफ पे खेलते हैं, हम इस तरफ पे खेलते हैं, और जब भी डबल्स में भी खेलते हैं काफी डिस्टेंस भी है कभी, सो वी कैन प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्ले टेनिस। बट टू ट्रैवल प्रोफेशनली टू प्ले टेनिस इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। I know that there are tournaments going to be starting fairly shortly, but it is still left to see as to how safe it is to do global travel for my work. That is the tough part that I've been facing, is that since the 7th of March, I've not been having a job. I've been without a job since the 7th of March. But yet to sustain our lives, yet to sustain our bills, yet to sustain our outgoings, because that continues. You still have to pay for your electricity, you still have to pay for your food, you still have to take care of your parents and your children. And this is such a global phenomenon that is there, especially in Mumbai here. We've been very badly affected in Maharashtra. So I think that it is important to first get over this pandemic that we're looking at before I decide on my one last draw season for 2021. But aapke jo fans hai wo बार्सिलोना, अटलांटा, सिडनी, एथेंस, बीजिंग, लंदन और रियो के बाद आपको टोक्यो में भी देखना चाहते हैं, तो उनका क्या? उनके लिए तो खेलना पड़ेगा फिर। I think it is very important to create world records for the country. I think it is very important to make sure that these world records are extended so far that hopefully they will stand over the next 100 years. And hopefully they will show in the record books that India played the largest and longest career of Olympics in tennis over the last 7 or 8 Olympics. So to extend that world record of 7 Olympics and to make it 8 is something that motivates me a lot. I think to initially, when I first started my career, to put India on the global map of Grand Slam champions or of Olympic champions was what drove me, was what motivated me a lot. But now that I've played 30 years of my career, I think it would be smart and it would be good to extend that world record to 8 Olympics before, I retire, so that India can always be in the history books. But that is something left to be seen. That is something that I can't really evaluate right now, because we don't know yet whether the Olympics is going to happen in Tokyo in 2021. We hope so. And that too, it will be in July and August of 2021. But when I, come to that bridge, I will cross it. When I get to that position, I will cross it then. But right now we have something more important at hand, which is making sure we win the victory against coronavirus, to make sure that we win this battle of this global pandemic. And I think coming together as one human race, as one community, is very, very important. Yeah, now, during post-COVID era, what do you feel? How things are going to change? Kya aapko lagta hai ki the stars, those who have larger-than-life kind of image, will it be easier for them to play in front of the empty stands? Itna difficult hoga jo stars hai unke liye, ya fir jo aam khilari hai, unke liye kitna difficult ho, kitna badal jayega? जो खेल की दुनिया है कितना बदल जाएगा? मेरे समझ में कोरोना वायरस के बाद ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है काफी बदल जाएंगे। आई थिंक बिफोर कोरोना वायरस वी ट्रेवल द वर्ल्ड विद अ लॉट ऑफ फ्रीडम, वी स्टेड इन होटल्स एंड प्लेड इन बिग स्टेडियम्स पैक्ड फुल ऑफ पीपल। फॉर माय जॉब आई वाज मीटिंग 20,000 people a day with my job.
from all parts of the world, whether it was in New Zealand or Australia, all through Asia, all throughout Europe with the French Open and Wimbledon and other tournaments leading into the Grand Slams, or in South America or at the US Open in New York. But no one ever fathomed a global pandemic to reach so far. But now that we are 5.5 months into it, Kunpa, I feel that it is very important to first win this battle against coronavirus. And maybe, we're still not sure at the moment, but maybe the vaccine will be coming out towards, October, November, December, the end of this year. We still don't know whether we have to take the vaccine once every year or once every 6 months or once every 3 months, which will also make a difference to global travel. I think that the regulations of travel will change a lot, post-coronavirus, as we're seeing already. Our airports are not fully functional and open at all. They're quite closed, even within domestic cities, let alone international travel. So I think there's a lot to be worked out still, as far as my job goes, before I can even think about the one last draw season coming back. I think there is a lot of uncertainty still before we can start looking at global travel and a global job like mine that can work freely. Yeah, and before we wrap it up, one last question. How do you see Indian sports going in 1 year? I mean, how many medals can we win next year in Tokyo Olympics? What kind of expectation you have? I think first we got to see whether the Olympics can happen or not, Kunta. I also feel that it is such a shift for all the athletes who have been preparing for 4 years for Tokyo, from moving from the summer of 2020 to the summer of 2021, 12 months later, that the whole training regime has been uprooted. The whole systematic planning to peak in the summer of 2020 has completely been thrown in the mix to now replan for 2021 and sustain that physical level, to sustain that physical attributes. Because also, let's remember that these are the top 10,000 athletes on the planet who get to play in the Olympics. And for certain sports like the 100-meter sprint in track and field, or the relay, or the swimming events, they wait for 4 years. Yes, they have a world championship, so yes, they have other regional events, but they wait for 4 years for just an Olympics. And that is what makes the Olympics so special, in my opinion. Ye jo Olympics jo hote hai, har saal nahi hote hai. 4 saal ke baad hote hai. Toh jitna programming ya planning ya training jo khiladi karte hai, अभी पूरा बदल गया और 12 महीना के लिए अभी वेट करना पड़ेंगे टोक्यो 2021. तो ये काफी मुश्किल चीज है, काफी रीप्लानिंग करना पड़ेगा, काफी रीइन्वेंशन करना पड़ेगा 1 साल का और तैयारी करने के लिए. लियांडर, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू सो मच. उम्मीद तो यही करेंगे आप जो वेबसाइट लॉन्च किया वो बहुत अच्छा करे, और इतने दिनों से जो फैंस आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहते थे, जो ज्यादा रेगुलर बेसिस पर होता नहीं था क्योंकि आप ट्रेवल करते थे, आपके पास समय नहीं होता था, वो समय अब आपको मिल रहा है. और मुझे उम्मीद है कि फैंस के साथ आप ज्यादा ही इंटरेक्ट कर पाएंगे ताकि उनको भी बहुत सारे चीज सीखने को मिलेगा. थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू सो मच लियांडर. धन्यवाद कुंतल, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल आवर फैंस आउट देयर. गॉड ब्लेस. थैंक यू लियांडर. जय हिंद. जय हिंद. ABP News, आपको रखे आगे.